अगर आपको लगता है कि ये मंच सही जगह है इतने सीरियस चीज़ों के बारे में बात करने के लिए, तो अगर आप मुझे आधा घंटा देंगे मैं बात कर सकती हूँ। मगर मैं यही कहूँगी कि कभी भी किसी की शिकायत अगर होती है इस चीज़ों के बारे में, तो यू शुड नॉट काउंट इट आउट, एंड आई डोंट थिंक दैट वी शुड साइलेंस दोज वॉइसेस। बट आई फील वेरी स्ट्रांगली कि मैंने कभी बॉलीवुड की सपोर्ट की ज़रूरत मांगी नहीं है, कभी भी। आई एम माई ओन वुमन, एंड अगर कोई आदमी या कोई शख्स मुझसे अगर बदतमीजी करे, मैं सीधा कोर्ट ऑफ लॉ के पास जाऊँगी। मैं ना बॉलीवुड की सपोर्ट चाहती हूँ ना मांगती हूँ। तो आई थिंक टू एक्सपेक्ट बॉलीवुड स्टैंड देयर और नॉट स्टैंड देयर इज समथिंग दैट इज आई फाइंड इट वेरी फ्रिवलेस कॉन्वर्सेशन, कि आपने सपोर्ट किया आपने नहीं सपोर्ट किया। सो इफ़ यू बिलीव स्ट्रांगली इन वॉट यू स्टैंड फॉर, देन गो आउट देयर, क्योंकि सच को पीआर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ट्रूथ डज नॉट नीड पीआर, ट्रूथ लाइक फायर जस्ट बर्न्स। सो इफ़ यू बिलीव इन योर ट्रूथ, गो आउट देयर एंड स्पीक इट स्ट्रांगली, एंड डू नॉट एक्सपेक्ट एनीबडी इन द वर्ल्ड टू बी होल्डिंग योर हैंड and supporting you. Bollywood is a great place, and it's a wonderful place, and you can expect people support for award ceremonies, for weddings and for funerals. But for things and for matters where you have to go through the fire of life yourself, to phir apne khud ke balbute pe, apne khud ke pairon pe khade ho aur jaake duniya se lado. And that is what I believe in. That's why I still date stand tall. I don't rely on a man or a woman, and especially not my community, to stand by me when I go through the fires of life, which is why I have the courage to stand tall and I have the courage to stand alone. Thank you. मुझे लगता है कि safe working place हर इंसान, आदमी या औरत, उनका हक है। sexual harassment at the workplace हमारे समाज और हमारे देश का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसे बहुत कम अटेंशन मिलता है और बहुत कम सीरियस बातचीत होती है इसके बारे में, और हम ज़्यादातर करके एक्चुअली अनअवेयर रहते हैं इसके बारे में। मुझे लगता है इस मुद्दे पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पॉसिटी है। सो आई थिंक दैट अच्छी चीज़ है कि ये बातें बाहर आ रही हैं, और हमें बहुत एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से इसके बारे में बात करनी चाहिए और एक करेक्टिव रूप से अपने वर्क प्लेस को सेफ बनाना चाहिए। एंड जैसा कि मैंने इस बारे में ट्वीट भी किया है, सो या मतलब बहुत मतलब हैप्पी नवरात्रि, एंड जो लोग फास्ट रख रहे हैं आप मतलब आई होप आपको ज़्यादा भूख ना लगे, और जो लोग डांडिया खेल रहे हैं आई होप बहुत मज़े करें आप। थैंक यू। यू नो आई बीन वेरी बिजी विथ सुई धागा, तो मैंने सब कुछ सुना नहीं है जो भी कहा है, बट आई जस्ट से दिस कि रिस्पेक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वर्क प्लेस में, एक औरत के लिए, एक मर्द के लिए, एक बच्चे के लिए, और हमें अपनी इंडस्ट्री सेफ करना है। वी हैव टू मेक इट सेफ फॉर वीमेन, मैन एंड चिल्ड्रन, एंड हर इंसान को इक्वल रिस्पेक्ट दिया जाना चाहिए। एंड मतलब आई डोंट नो टू मच अबाउट दैट इशू, तो मैं बहुत खुल के नहीं कहना चाहूँगा उसके बारे में। कवर तो हो रहा है हर जगह, बट आई जस्ट स्पीक अबाउट द रिस्पेक्ट फैक्टर। एंड अगर कोई इंसान इसके बारे में बोल रहा है खुल के, आई थिंक वी शुड हियर दैट पर्सन आउट, एंड इट टेक्स ग्रेट करेज टू टॉक लाइक दैट, सो आई अपलॉड दैट करेज। खैर, जो भी चीज़ गलत हुई हो किसी भी वक्त पर हुई हो, उसके बारे में सर्च तो होनी चाहिए, उसके बारे में पता तो कर किया जाना चाहिए, और गलत काम को हमेशा हम बाकी में किसी पे कोई ये नहीं कह सकता कि ये सही है कि वो सही है, लेकिन उसके बारे में तफ्तीश तो होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। थैंक यू। यार देखो, हम लोग जो है ना बहुत सालों से कंडीशनिंग रही है हमारी, बदलना ज़रूरी है, चीज़ों को एक्नॉलेज करना ज़रूरी है, अपनी गलतियाँ मानना ज़रूरी है। अब ठीक है, हम लोग एक तरह के रहे हैं, हमें सब आज ज़रूरी ये है कि हम सब अपने आप में देखें और अपनी लाइफ को पीछे जाके देखें। और मैं दूसरों को नहीं, खुद को भी कहता हूँ कि हमने क्या क्या गलत किया, हमारी समझ कैसी रही है, हमें सबको अधिक बड़े होने की ज़रूरत हो गई है। फॉल्ट हम सबका है, पूरा सिस्टम का है, पूरा कंडीशनिंग का, सबका, आपका भी उतना ही फॉल्ट है, जितना लोगों का उतना सबका फॉल्ट है। आई थिंक हम सबको एक साथ बैठ के अपने आप को देखने की ज़रूरत है और एड्रेस करने की ज़रूरत है, हम सबको, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग यू। हाँ तो अब जो भी कहते हो आप, उसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। अब अगर मैं जब बोल देता हूँ चीज़ें तो उसके जूते खाने पड़ते हैं, तो खाता हूँ मैं। अब ठीक है, वैसे ऐसे ही है, और कुछ नहीं है। अभी हेडलाइंस मत ढूंढ, चल बाय। मैं समझ रहा हूँ, देखिए ये जो मुद्दे और मामले होते हैं बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, हमें भी बहुत सेंसिटिव तरीके से इनके बारे में बात करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि जब तक केस की इन्फॉर्मेशन ना हो, तब तक किसी को, मतलब मुझे तो कुछ भी नहीं बोलना चाहिए,
तो मैं इसके बारे में यही कहूँगा कि जो कह रहा है वो ज़रूर कहे, मगर उसको पक्का पता होना चाहिए, एंड दैट्स ऑल। मतलब देखो सर, जहाँ थोड़ा सिस्टम में गड़बड़, ऐसा नहीं है कि अभी है, पहले नहीं था, वो हमेशा से इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं, कभी ढगे छुपे, कभी पब्लिक में। इनको दबाना भी गलत है मगर उछालना भी गलत है, मगर सच्चाई जान करके इनका बयान करना और सच्चाई जान करके अपनी राय बनाना और एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। अब आप सब पकड़ के अब मुझे बोला जाएगा कि मैंने आज बोला नहीं। मतलब देखिए, माहौल अगर ऐसा था तो उसके खिलाफ बोलने में मुझे कोई शर्म नहीं है या कोई हिचक नहीं है। मुझे औरतों के प्रति बॉलीवुड में या उसके बाहर जो वर्किंग कंडीशंस हैं वो शर्मनाक है ना। तो आप बैंक में जाएं तो ये कंप्लेंट है, आप एकेडमिक्स में जाएं और यूनिवर्सिटीज़ में जाएं, कैंपसेज में जाएं, रिसर्च स्कॉलर और टीचर का रिश्ते, उसमें बहुत कहानियां आप सुनते हैं। तो ये जो एक मर्द जो है वो उसका कुछ एक हक सा होता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो पुलिस वाला लखनऊ में गोली मार देता है उसको भी तो एक सब्जर्वियंस की ज़रूरत है, उसको आदत है कि तो रोका क्यों नहीं, मैं गोली मार दी। तो ये भी एक नज़रिया है, सोचने का जो तरीका है, जिसको सब्जर्वियंस चाहिए, झुक मेरे सामने, मैं पावरफुल हूँ तुम मेरे सामने झुको। तो अब जो है वो हक मर्दों से छिन गया है, अब आप नहीं कर सकते, ये आप कतई नहीं कर सकते। और हमारी सबकी ड्यूटी है कि हम अपनी सारी जो महिलाएं इस पेशे में, और अब तो बहुत हैं हर जगह, पहले तो चाहे एक्ट्रेस हो, चाहे असिस्टेंट डायरेक्टर हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे एडिटर हो, चाहे साउंड रिकॉर्डिस्ट हो, कैमरा में आएँ और औरतें आएँ, और उनको माहौल मिलना चाहिए जहाँ उनके ऊपर मतलब बतौर वो प्रोफेशनल देखी जाएँ और उनको वो माहौल मिले जहाँ वो सुरक्षित महसूस करें। ये बहुत ज़रूरी है और मुझे कोई इसमें बोलने में कोई बात सही है इसमें क्या बोलने में है चाहिए। मैंने उसके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ा है, बट मेरे को लगता है सॉल्व हो जाना चाहिए, मेरे को लगता है सॉल्व हो जाना चाहिए। मैंने ज़्यादा डिटेल में पढ़ा नहीं क्योंकि नाना इज़ आल्सो वेरी सेंसिबल पर्सन, ऐसी बात नहीं है। अगर उनकी तनुश्री दत्ता की भी कोई प्रॉब्लम है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व नाइसली, इट शुड बी। अगर आपको लगता है कि ये मंच सही जगह है इतने सीरियस चीज़ों के बारे में बात करने के लिए, तो अगर आप मुझे आधा घंटा देंगे मैं बात कर सकती हूँ, मगर मैं यही कहूँगी कि कभी भी किसी की शिकायत अगर होती है इस चीज़ों के बारे में तो यू शुड नॉट काउंट इट आउट, एंड आई डोंट थिंक दैट वी शुड साइलेंस दोज वॉइसेस। बट आई फील वेरी स्ट्रांगली कि मैंने कभी बॉलीवुड की सपोर्ट की ज़रूरत मांगी नहीं है, कभी भी। आई एम माई ओन वुमन, एंड अगर कोई आदमी या कोई शख्स मुझसे अगर बदतमीजी करे, मैं सीधा कोर्ट ऑफ लॉ के पास जाऊँगी। मैं ना बॉलीवुड की सपोर्ट चाहती हूँ ना मांगती हूँ। तो आई थिंक टू एक्सपेक्ट बॉलीवुड स्टैंड देयर और नॉट स्टैंड देयर इज समथिंग दैट इज आई फाइंड इट वेरी फ्रिवोलस कॉन्वर्सेशन, कि आपने सपोर्ट किया, आपने नहीं सपोर्ट किया। सो इफ़ यू बिलीव स्ट्रांगली इन वॉट यू स्टैंड फॉर, देन गो आउट देयर, क्योंकि सच को पीआर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ट्रूथ डज नॉट नीड पीआर, ट्रूथ लाइक फायर जस्ट बर्न्स। सो इफ़ यू बिलीव इन योर ट्रूथ, गो आउट देयर एंड स्पीक इट स्ट्रांगली, एंड डू नॉट एक्सपेक्ट एनीबडी इन द वर्ल्ड टू बी होल्डिंग योर हैंड and supporting you. Bollywood is a great place and it's a wonderful place, and you can expect people support for award ceremonies, for weddings and for funerals, but for things and for matters where you have to go through the fire of life yourself, to phir apne khud ke balbute pe, apne khud ke pairon pe khade ho aur jaake duniya se lado, and that is what I believe in. That's why I still date stand tall. I don't rely on a man or a woman, and especially not my community, to stand by me when I go through the fires of life, which is why I have the courage to stand tall and I have the courage to stand alone. Thank you. خیال ہے جو بھی چیز غلط ہوئی ہو کسی بھی وقت پہ ہوئی ہو اس کے بارے میں سرچ تو ہونی چاہیے, اس کے بارے میں پتہ تو کر کیا جانا چاہیے, اور غلط کام کو ہمیشہ ہم باقی میں کسی پہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ صحیح ہے کہ وہ صحیح ہے, لیکن اس کے بارے میں تفتیش تو ہونی چاہیے. ہاں بالکل. تھینک یو. मुझे लगता है कि सेफ़ वर्किंग प्लेस
हर इंसान, आदमी या औरत, उनका हक है। सेक्सुअल हैरेसमेंट एट द वर्कप्लेस हमारे समाज और हमारे देश का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसे बहुत कम अटेंशन मिलता है और बहुत कम सीरियस बातचीत होती है इसके बारे में, और हम ज़्यादातर करके एक्चुअली अनअवेयर रहते हैं इसके बारे में। मुझे लगता है इस मुद्दे पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पॉसिटी है, सो आई थिंक दैट अच्छी चीज़ है कि ये बातें बाहर आ रही हैं, और हमें बहुत एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से इसके बारे में बात करनी चाहिए, और एक करेक्टिव रूप से अपने वर्क प्लेस को सेफ बनाना चाहिए। एंड जैसा कि मैंने इस बारे में ट्वीट भी किया है, सो या मतलब बहुत मतलब हैप्पी नवरात्रि, एंड जो लोग फास्ट रख रहे हैं आप मतलब आई होप आपको ज़्यादा भूख ना लगे, और जो लोग डांडिया खेल रहे हैं आई होप बहुत मज़े करें आप। थैंक यू।